कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मैं हूँ कल्पना हिमाचल से। मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं डेली व्लॉग्स। और अभी हो रहा है आफ्टरनून के 12:30 बजे के आसपास का टाइम। और मैंने जो है कपड़े वॉश किए हैं और अभी जो है आधी लंच बनाने में का व्लॉग भी अपना जो है वो कंटिन्यू कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज ढेर सारा प्यार देने के लिए, आप लोग जो नए नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। और ये देखिए बाजू की हाल देखिए, मेरा ना कुकिंग करते हुए जो जलते रहते हैं हाथ। सो आदि गया अपने पापा के साथ शॉप में और मैंने उस बीच में जो है अभी एक ब्लॉग एडिट किया है वो अपलोड किया है। सो मैं सोच रही हूँ आज ना अपने बालों का थोड़ा सा इसकी ट्रिमिंग कर दूँ। सो आज मैं बेसिकली हेयर कट करने जा रही हूँ क्योंकि क्या है ना ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल अजीब से हो गए हैं। जब कलर किया था इसमें लास्ट ईयर, एक साल हो चुका है मेरे फादर इन लॉ की रिटायरमेंट को। लास्ट ईयर जो है इस टाइम हमारे घर में जो है पूरा शादी वाला माहौल था और पूरा घर जो है बहुत अच्छे से सजा हुआ था, पूरी लाइटनिंग हुई थी। तो कल शाम को जो है हम लोग सारे बैठ के बात कर रहे थे तो उस टाइम पे जो है एक साल हो चुका है मेरे बालों को भी, ग्रीन कलर जो है बिल्कुल फेड आउट हो चुका है। सो अब मैं सोचूँ इन वाले बालों को ना, महाराज मेरे उठ चुके हैं क्या मतलब आपसे। अब ये देखिए इसको जाना होता है, पीछे पीछे भाग रहा है पापा की, इसको नहा धुला दिया था। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि लास्ट ईयर जो है 1 ईयर हो गया है मतलब मेरे फादर की रिटायरमेंट को। सो अभी ना पहले मैं लंच वगैरह बना लूँगी फिर जाएंगे आदि और मैं बालों की कटिंग कराने। तो सोच रही हूँ कर लेती हूँ। आदि के पापा थोड़ी देर के लिए ऊपर आते हैं ना और बस आदि को ये होता है कि मुझे साथ जाना है, तो बस अभी जो है वो मुझे कन्वेंस कर रहे थे कि इसे जो है अंदर ले जा क्योंकि इसका ना फिर जाने के बाद ये नीचे शॉप पे नहीं बैठता है, चीज़ों को इधर उधर फेंक देता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। सो बस अब मैं इसके बाद जो है लंच वंच बना दूँगी पहले। और ये देखिए अभी भी पापा बोल रहा था जाते जाते, और अभी ना स्लाइडर पे बिठा दिया था मैंने इसे क्योंकि नीचे तो अकेले उतर नहीं सकता और ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। और यहाँ पे आदि के पापा इसके लिए बनाना लेके आ गए। सो अभी तो मैं पहले लंच बनाऊंगी फिर जाएंगे, यहीं साथ में ही है एक्चुअली, हमारे जो है घर पे ही रहते हैं रेंट पे। सो उनके पास थोड़ा सा ट्रिमिंग करा दूँगी बालों की। पिछले कल मार्केट गई थी, मेरा एग्ज़ाम था बट मैं प्रॉपर ऐसे मार्केट नहीं गई। सो इसको खिला देती हूँ बनाना। चलो चलो लंच पता नहीं बनाने देगा, टाइम 1 बज रहा है। अच्छा मैं आदि को फ्रूट खिलाने में लेट हो गई क्योंकि बीच में सो गया था उस वजह से। सो 1 बज रहा है क्योंकि अभी लंच तो 2:30 बजे के अराउंड ही बनेगा क्योंकि अभी तो मुझे दाल में तड़का लगाना था, राइस चढ़ाने थे, तो अभी 1 घंटे के टाइम था मेरे पास 1 घंटे का। तो उस बीच में मैंने सोचा इसे फ्रूट खिला देती हूँ और यहाँ पर घर पर आई थी फ्रेश चेरी, सो ये भी सोचा इसे दे दूँ बनाना, इसको मैंने खिला दिया था। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए थे पराठे और गुट्टी वाले बेड़े मैंने। और यहाँ पे जो है मैंगो है, इसकी खटाई भी सोच रही हूँ बनाने का, देखती हूँ टाइम कितना लगता है क्योंकि डेली ना एक ही काम गिरता रहता है। तो दाल यहाँ पे मार्केट है। सो उन्होंने ना सुबह राजमा चढ़ा दी थी आज, सो राजमा और आलू चढ़े हैं। और यहाँ पे ना मैं जो है खाना तैयार कर रही थी और यहाँ पे राइस चढ़ा दिए हैं, राजमा बन चुकी है, बर्तन क्लीन कर दिए हैं, बन गया है। और अभी जो है बाल भी मेरे सूख गए हैं और मैं अब जाती हूँ अपना हेयर कट करने, चावल में सीटी आने देती हूँ और थोड़ा सा ना राजमा को अच्छे से जो है बॉयल होने देती हूँ और चपाती लगा दूँगी बाद में क्योंकि मम्मी अभी मार्केट से नहीं आए हैं। और मैंने जो है ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कर लिया था तो मैं लंच नहीं करूँगी। और वो देखिए मेरा बेटा अपने ही खेल रहा होता है और इसको मैंने कल बैट भी लाया है, बॉल भी लाया है, तो अपने मस्त रहता है। और हाँ देखती हूँ कौन सी कटिंग करूँ, ऐसे मुझे कटिंग का ज़्यादा पता नहीं है बट क्योंकि मैं आई थी हूँ कटिंग, वैसे मैंने अभी जो है 3rd और 4th टाइम कर रही हूँ लाइफ में। और ये वाले बाल ना, ये वाले बहुत गंदे से लग रहे हैं मुझे, मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं ये वाले। गोल्डन कलर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है और जो लोग हाईलाइट करते हैं वो भी मुझे, उनके बाल भी मतलब मुझे पसंद नहीं है ये वाला कलर जो है, वो भी बालों में स्पेशली। वैसे गोल्डन कलर मुझे अच्छा लगता है बट बालों में मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। तो ये वाले ना बहुत अजीब से लग रहे हैं, रफ से हो गए थे तो ग्रीन कलर उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, अब सोच रही हूँ इनको कटवा दूँ। फिर चलते हैं वो देखिए। हाँ
आ जाते हैं कटिंग करके। बालों में मैंने हल्का सा कॉम कर लिया, थोड़े लूज लूज रखे हैं, मैसी सा बन। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलिए जी, फाइनली बालों की थोड़ी सी ट्रिमिंग हो गई, थोड़ा सा हेयर कट हो गया। जो गोल्डन कलर के वो मुझे अजीब से हेयर लग रहे थे वो कट हो चुके हैं। सो अब जो है आपको न्यू लुक दिखाती हूँ अपना। अभी जस्ट पहुंची हुई है, देखिए। सो ये गोल्डन वाले हेयर्स ना ये काट दिए, थोड़े थोड़े रखे हैं, बिल्कुल कम। बाकी जो लंबे से थे वो मैंने कट कर दिए। वैसे तो मुझे बाल बढ़ाने थे, बट वो गोल्डन वाला जो कलर आ रहा था ना, मुझे बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर की लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। अब जाती हूँ मैं शॉप, हस्बैंड की थोड़ी हेल्प करती हूँ। एक्चुअली सामान आया है ना वो डिस्प्ले में लगाना है, और आदि को मैंने लंच करा दिया है, और मेरा करना बाकी है, और मम्मी का। मम्मी भी मार्केट से पहुँच गए हैं। सो फटाफट से हस्बैंड की हेल्प करते हैं। यहाँ पे ना आज कस्टमर जो है वो आए थे, तो हस्बैंड को ना बहुत सारा सामान था, उसकी लिस्ट बनानी थी। आज अकेले थे तो वर्कर भी नहीं थे, सो मैंने सोचा मैं जाके हस्बैंड की हेल्प कर लेती हूँ थोड़ी सी। और मुझे लगता है हर एक वुमेन को होना चाहिए एज अ मदर, चाहे आप रोल प्ले कर रहे हो एज अ हाउस वाइफ, रोल प्ले कर रहे हो एज अ वर्किंग वूमेन, एज अ मदर, एज अ वाइफ, और एज अ वर्क पार्टनर, जो भी आप कह दो। हर एक जो है, मेरी कोशिश रहती है अपना पर्सनल बताऊं कि मैं जो भी काम करूं उसमें अपना बेस्ट दूं, वो चाहे कोई भी काम हो। और हमेशा जो अपनी पर्सनालिटी है ना, मैं बहुत अपने जो है, जो मुझे पूछते हैं वुमेन स्पेशली हाउसवाइफ जो हैं, अपनी बॉडी को ना फ्लेक्सिबल रखा करो। फ्लेक्सिबल इन द सेंस अपने माइंड को भी फ्लेक्सिबल रखा करो कि आपको जो भी सिचुएशन मिले, जैसी भी सिचुएशन मिले, बस एक ही आपका हो कि आन दो कि भी आने दो, कुछ भी है डील कर देंगे। सो ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद ना यहाँ पे टाइम होने लगा था 2:45 के आसपास का, लंच अभी हमारा नहीं हुआ था, मतलब करना था। तो मैंने आदि को ना यहाँ पे मोड़ी बना दी, तो ये लेफ़्ट ओवर राइस थे, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पहाड़ी में तो मोड़ी बोलते हैं उसको। आप थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर दीजिए, उनको सुखाना है पहले, बॉयल जो राइस लेफ़्ट ओवर होते हैं उनको सुखा के फिर जो इस तरह से आप जो है ऑयल में ड्राई करके, बहुत टेस्टी क्रिस्पी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। सो आदि का मन कर रहा था कुछ ऐसे खाने का, तो अभी जो है लंच वंच हो गया था, टाइम 3:30 के आसपास हो रहा था आई थिंक, मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो मैंने सोचा किचन क्लीन कर देती हूँ, और बर्तन थे लंच वाले तो उनको क्लीन करके, किचन क्लीन करके फिर जो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, और आदि को भी जो थोड़ी देर सुला दूँगी। और क्योंकि आजकल छुट्टी का ना यही रूटीन रहता है, सुबह से टाइम का पता ही नहीं चलता। एक तो लेट में उठती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा है ना कि रिलैक्स पता होता है कि भाई कहीं जाना तो है नहीं है, तो आराम से जो अपने काम करती हूँ रूटीन के साथ। रूटीन वही रहता है, बट थोड़ा सा डिले हो जाता है, और आगे पीछे थोड़े बहुत काम बच्चे के साथ हो जाते हैं यार, और कई बार थक भी जाता है इंसान। तो बस, और यहाँ पे आपको बता दूँ टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास, मुझे आ गया था ऑर्डर चाय का, क्योंकि शॉप पे चले रहते हैं कोई ना कोई, और हस्बैंड का कॉल आ गया कि चाय बना दो, तो लीजिए 3 कप यहाँ पे चाय। थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी बना दी, मन कर रहा था खुद भी पीने का, क्योंकि नींद मुझे नहीं आ रही थी, आदि को सुला रखा था मैंने अभी, और तो मैंने सोचा चलिए अब चुपचाप जाके रूम में ना अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। कई बार तो ऐसा हो जाता है ना, चाय पीने का भी टाइम नहीं लगता है। तो आज अभी देखिए आदि साइड में सोया हुआ है आराम से, और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया। शाम का टाइम, रात के हो रहे हैं 7:30 के आसपास का, और ये देखिए आदि महाराज को नई गाड़ी मिली है और आराम से बैठा हुआ इधर। गिव इट टू मी आदो। ओके, जाके जो है आई हूँ, और अंधेरा हो चुका है, 8 बज रहे हैं, तो बना रही हूँ डिनर। और इसको देखिए, इसके पास आज नई गाड़ी आई है, तो बस इसी में लगा हुआ है इसकी एक्सपेरिमेंट करने। से हाय टू एवरीवन। 10:30 के आसपास का वो देखिए, आदि कम यार, नो, हमें जाना है मायके, तो पैकिंग कर लेती हूँ, हेडेक सी हो रही है, और अभी बस डिनर विनर करके फ्री हुए हैं। सो अब करती हूँ पैकिंग, करके रखती हूँ, सुबह शायद जल्दी जाएंगे, मतलब जल्दी मतलब कि 10-11 बजे तक ही जाएंगे। और ऊपर तो गांव में ना बड़ा अच्छा डिनर है ना मौसम। आई होप आपने आज का जो ब्लॉग है वो इंजॉय किया होगा, कमेंट में ज़रूर शेयर किया कीजिए। जो लोग देखते हैं ना वीडियो, कमेंट नहीं करते हैं, सो प्लीज़ डू कमेंट गाइस, ताकि मुझे आने वाले ब्लॉग्स के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर विजिटिंग माय चैनल, एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट माय लेटेस्ट नोटिफिकेशन
और वीडियोज़, यू कैन सी दैट। बाय बाय गाइज, लव्स ऑफ लव।